हेलो, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्वाद बाय वंदना। आज मैं आपको दिल्ली की सबसे फेमस फूड में से सोया चाप बनाना सिखाऊंगी। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में बताऊंगी। सबसे पहले हमें गूंधा हुआ आटा चाहिए है, जो आटा मैंने एक दिन पहले गूंध के रखा है। इसे हम पानी से धो के हाथों की सहायता इस तरीके से मसल के ग्लूटेन अलग करेंगे। ये प्रोसेस कम से कम हमें 3 से 4 बार करना है, जिससे इसका ये पानी अलग हो जाए और आटे से ग्लूटेन जाए। ये कुछ इस तरीके से लगेगा, रेशे दिखेंगे। अब हम सोयाबीन दाल को एक रात पहले पानी में भिगो देंगे। उसे मिक्सी के जार में डाल के एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। पानी ऐड करते हैं। इस पेस्ट को जो हमने आटे का रूटर ही अलग करके रखा है उसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें कुछ सोया चंक्स लेंगे, जिसे मैंने पानी में बॉईल करके निचोड़ के पीस लिया है फाइन। इसे वे सोयाबीन की दाल के मिक्सचर में मिला देंगे और हाथ से उसे अच्छे से मसलेंगे और एक सॉफ्ट डो की तरह बना देंगे। अब 1 चम्मच के करीब ब्लैक पेपर क्रश करके डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब उसे हाथ से अच्छे से मसल के मिक्स कर लेंगे। अब इसे थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके एक स्टिक में लगाते जाएंगे, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। अच्छे से हाथ से शेप देते हुए ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब इसे एक छलनी में रख लेंगे। मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से उसकी शेप लगेगी। इसे भी छलनी में रख लेंगे। सभी सोया स्टिक्स को इस तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में पानी लेके गैस पे उसको बॉईल होने के लिए रखेंगे। फिर इस चलनी को हम उस कढ़ाई के ऊपर रख देंगे। इसे हमें स्टीम देना है। अब इसे 20 मिनट्स तक स्टीम करेंगे। स्टीम देते ही ये हार्ड हो जाएगी और इसे डायरेक्ट ठंडे पानी में डालना है निकाल के। ये हमारी सोया स्टिक्स तैयार हो गई है। इसे आप कम से कम 3 महीने तक फ्रोजन करके रख सकते हैं।